इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। जश्न यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर यह भी शायद पहली बार होगा कि भारत की यौम आज़ादी का जश्न भी कर्फ्यू में मनाया जाएगा, लिहाजा 14 और 15 अगस्त को वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हुकूमत की जानिब से दिया गया है। कुछ रियायतें 15 अगस्त के दिन दी जाएंगे ऐसा भी कहा गया। आज कोरोना मरीजों की तादाद 45 रही तो 24 मरीज डिस्चार्ज हुए। दो लोगों की मौत कोरोना से होने की बात कही जा रही। आज फिर कर्नाटक राज्य संघ के कुछ कारकुनों ने बूढ़ा दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए कनबरगी लेआउट को रद्द करने की मांग की और बूढ़ा सदर घोड़प्पा होसमनी को हटाए जाने की भी मांग की। आज बूढ़ा दफ्तर के सामने बैठकर एहतजाज दर्ज किया गया। आज फॉरेस्ट महकमा अफसरान की जानिब से फॉरेस्ट मिनिस्टर उमेश कत्ती की गुलपोशी शालपोशी फरमाई गई। कोरोना के मद्देनजर और तीसरी लहर के चलते बेलगाम कॉरपोरेशन इंतखाबात को रद्द करने की मांग आज सिटीजन फोरम की जानिब से की गई। सिटीजन फोरम के सतीश तेंदुलकर के जेर सदारत में मुतालबा डीसी एमजी हिरमट को पेश किया गया। बल्दिया इंतखाबात को रद्द करने की मांग की गई। इस वक्त सिटीजन फोरम के तमाम जिम्मेदारान मौजूद थे। आज बेलगाम पुलिस कमिश्नर विक्रम आमटे ने आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि नौजवानों को बैरूनी ममालिक में बड़ी नौकरी तनख्वाह का लालच दिखाकर लूटने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। हाल ही में फर्जी कंपनियों के जरिए लोगों को फरेब देने वाले 3 अफराधों को गिरफ्तार किया गया, लिहाजा आवाम किसी भी बहकाव में न आते हुए चौकन्ना और सजग रहने की हिदायत विक्रम आमटे की जानिब से दी गई। आज बरोज जुमेरात कर्नाटक महाराष्ट्र की सरहद पर बसे गांव वालों की जानिब से कर्नाटक हुकूमत की तरफ से आरटीपीसीआर वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सख्तियों के मद्देनजर एहतजाज किया गया, जिसमें कर्नाटक के खिलाफ नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि हर रोज इन सरहदी गांवों में इस तरह की सख्तियों से गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है, लिहाजा इसे रद्द कर पाबंदियों को हटाया जाए। फुटपाथ खाली करवाने की मुहिम कारपोरेशन बेलगाम की जानिब से चलाई जा रही, लिहाजा गरीब जो सड़क पर फुटपाथ पर बैठकर सब्जी फ्रूट बेचने वाले को हटाने की मुहिम से गरीब ताजीर नाराज हो गए और इन्होंने डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश करते हुए किसी तरह ट्रैफिक जाम न करते हुए हम कारोबार कर अपना गुजारा कर रहे हैं, लिहाजा हमें यहाँ से हटाने को रोक दिया जाए, ऐसा मुतालबे में उन्होंने कहा। अहम खबरों के बाद अहम मौजू पर एक नज़र। सियासत और कोरोना का भी अजीब रिश्ता है। जहाँ भी सियासत या चुनाव होंगे वहाँ से कोरोना को भागना पड़ता है या फिर कोरोना खुद चला जाता है। अब बेलगाम कॉरपोरेशन चुनाव के चलते कोरोना की तीसरी लहर का असर कुछ हद तक कम हो सकता है, इस उम्मीद कर सकते हैं, वरना तो स्कूलों को अब तक बंद रखा गया है। लिहाजा चुनाव मतलब भीड़, चुनावी रैली, एक दूसरे से मिलना, तमाम बातें आती है और ऐसे में जश्न यौम आज़ादी भी है। जबकि बेलगाम जिला में वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया, मतलब वीकेंड लॉकडाउन के दिन जश्न आज़ादी कैसे मनाई जाएगी यह भी सोचने की बात है। खैर, हुकूमत अपने हिसाब से कभी रियायत देती है तो कभी सख्तियाँ भी बरतती रहती है। आपको सवाल करने का हक नहीं है ऐसा क्यों है और वैसा क्यों है। अब जब एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है तो कुछ मशवरे भी किए जाते होंगे। वैसे भी बार बार तीसरी लहर का एहसास आवाम को दिलाया जा रहा है और कुछ लोग तो WHO की बात को आसमानी फैसले की तरह ले भी रही है। तो ओलंपिक में लाखों लोग जमा हो सकते हैं, फुटबॉल मैच देखने के लिए लाखों लोग इकट्ठा हो सकते हैं, पर कुछ मस्जिदों में आज भी सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम किया जा रहा है और इस साल हज के लिए भी दूसरे ममालिकों से हाजियों को बुलाया नहीं गया। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना को लेकर जितनी संजीदगी नहीं देखी जाती उतनी संजीदगी अरब ममालिक या फिर खासकर मुसलमानों में देखी जा रही है। आज भी कुछ लोग मुंह नहीं धोएंगे पर सैनिटाइजर बराबर करते रहेंगे। खैर, सेहत का कितना ख्याल इस कौम में देखा जा रहा है, मतलब जिंदा रहने की ज्यादा तड़प मुसलमानों में ही देखी जा रही है। आज का मौजू यह नहीं है, मौजू है बेलगाम कॉरपोरेशन चुनाव के मद्देनजर कोरोना का क्या होगा और इतनी जल्दबाजी में कॉरपोरेशन चुनाव का फैसला आखिर किस बुनियाद पर लिया गया। वैसे तो तमाम वो लोग जो मुद्दतों से कॉरपोरेटर बनने की उम्मीद तमन्नाएं अपने दामन में समेटे बैठे थे आजकल कॉरपोरेशन में इहाते भटकते नजर आ रहे। कुछ लोग वोटर लिस्ट हासिल कर रहे हैं तो कुछ लोग चेकलिस्ट मांग रहे हैं। कुल मिलाकर अचानक हुए इस फैसले से कुछ लोगों को एक तरह का जोश नजर आ रहा है तो कुछ लोग किसी तरह से अदालत से एक बार फिर स्टे की दुआएं मांग रहे हैं। खैर,
कल बेंगलोर अदालत में इस मामले को लेकर फैसला आना है तो 16 तारीख को धारवाड़ हाईकोर्ट से कॉर्पोरेशन चुनाव वार्ड की तामीर नौ या फिर रिजर्वेशन पर फैसला आना बाकी है। यह कयास भी लगाया जा रहा है कि अब कॉर्पोरेशन चुनाव को मुलतवी नहीं किया जा सकता और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 2 साल से भी ज्यादा अर्सा पहले ही निकल चुका है। मतलब 3 सितंबर को यकीनन चुनाव होंगे, इसे उम्मीद कर सकते हैं। अब उम्मीदवार कैसा होगा या फिर और कितने ज्यादा कॉर्पोरेटरों को जिता सकते हैं, आगे की मंसूबाबंदी क्या होगी, तमाम मरहलों पर आज फिर कहना चाहूंगा कि मोहल्ले की जमातें इस पर फैसला करें। अब शहरी सतह पर मरकजी कमेटी बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि चुनाव के वक्त इसका कोई और ही फायदा उठा ले जाता है और इसे दूसरी दिशा में ही ले जाया जाता है। अब तो इस तरह की जहनीत में और भी इजाफा हो रहा है कि मोहल्ले में आपको कहीं पर भी इत्तेहाद नजर नहीं आता। बच्चों में तहजीब नहीं, गलत कामों को खुद घर के लोग बढ़ावा देते रहते या तो फिर जानकर अनजान बनने की कोशिश करते रहते। ऐसे गिरोह आपको इलेक्शन के वक्त नजर आते हैं जो हर उम्मीदवार के पास जाकर पैसे पूछते रहते हैं। अब उस कौम का हश्र क्या हो सकता है जिनकी उम्र वोटिंग की भी नहीं है, वो भी लोकसभा चुनाव से लेकर कॉर्पोरेशन चुनाव तक पैसे लेने के लिए कतार लगाकर हर जगह पर हर पार्टी दफ्तर के सामने खड़े नजर आते। अब तो खवातीन भी पीछे नहीं है, हर कोई मौका देखकर चौका लगाना चाहता है। क्या अब यही मकसद रह गया हमारा कि कोई भी चुनाव आए तो पैसे के लिए ही खड़े रहे? आपको यह सुनकर ताज्जुब होगा कि अपने मोहल्ले में ही बेकारी, रोजगारी, जुर्म, नशा सबसे ज्यादा है और यह रिपोर्ट है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? माशरे का अक्सर तबका गलत हरकतों में मुलव्वस होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराए? आज मुस्लिम गलियों में बच्चे मुहर्रम के बहाने चाबुक सड़कों पर पटकते घूम रहे हैं, क्या है इसका मतलब? और घर के लोग भी क्यों इन्हें कुछ नहीं कहते? तकरीबन मोहल्ले में इस तरह के बच्चे चाबुक की आवाज निकालते देखा जाता है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि चाबुक और मुहर्रम या चाबुक और इस्लाम का क्या ताल्लुक है। खैर, कहने का मतलब हमारा माशरा है, माशरे का मुस्तकबिल किस दिशा में जा रहा है, क्यों हमने इमाम हुसैन के उस किरदार को अपने बच्चों के सामने नहीं रखा, वरना क्या वो इस तरह चाबुक लेकर घूमता रहता? क्या इस्लाम और आज के मुसलमान का कहीं पर भी जोड़ नजर आ रहा है? हम दूसरे ही सिमत में जाते नजर आ रहे हैं। माशरा तकरीबन बिखरा हुआ है, पर कोशिश कर सकते हैं। हम यह नहीं कहते कि हमें अभी नया इनकलाब लाकर रहना है, और वो ला भी नहीं सकते, असल तालीम से कोसों दूर जा चुके हैं। खैर, आज भी सबसे पहले अपने घर मोहल्ले से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। मोहल्ले की जमातें भले ही किसी भी मसलक से ताल्लुक रखती हो, बैठे और कॉर्पोरेशन चुनाव के मद्देनजर सही उम्मीदवार का इंतखाब करें। अगर एक पर सभी मुत्तहिद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुरंदाजी करें। जमात के फैसले पर कायम न रहने वालों पर कार्रवाई करें, क्योंकि इसी तरह खिलाफ वर्जी की आदत होती जाती रहती है। अक्सर खवातीन के वार्ड हुए हैं तो यहाँ पर तो कुछ कहना भी मुश्किल है। खैर, अब कुछ फैसलों पर संजीदगी से गौर करना होगा। मनमानी बहुत कर दी है, बहुत गलतियां हमारे हाथ से हो चुकी है और आज इसकी कीमत भी चुका रहे, आगे हालात इससे भी नाजुक आने वाले। वक्ती तौर पर कुछ रुपयों में अपने वोटों का सौदा करना आप छोड़कर सियासी शऊर को बेदार करें। कुछ जगहों पर कौमी मुफाद के मद्देनजर जाती अनानियत को पीछे डालकर फैसला करें। कुछ फैसले यकीनन मुश्किल हो सकते हैं, पर करना जरूरी है, यह मौका है। और एक नई शुरुआत को इसी कॉर्पोरेशन चुनाव से ही क्यों ना करें। मोहल्ले में एक दूसरे की पहचान, मोहब्बत, अखुवत को फिर से जिंदा करें। एक ही मोहल्ले में 20-30 साल से रहते पर हम एक दूसरे को पहचानते नहीं, क्या इसीलिए मस्जिदें बनाई गई थी कि हम एक दूसरे को सलाम भी ना करें? खैर, एक नई शुरुआत, नया आगाज करें ताकि आने वाले दिनों के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।